सो फ्लॉट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और फ्लॉट खरीदते समय हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ज़मीन की डॉक्यूमेंटेशन सही है नहीं, कोई इलीगल कब्जा ना हो, सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं, और आने वाले सालों में कितने परसेंट हमको रिटर्न मिलेगा। कितना अच्छा होगा अगर हम अपने कमाए हुए पैसे किसी अच्छे जगह इन्वेस्ट करें जहाँ हमको सिक्योरिटी मिले, एमिनिटीज मिले, और उससे हम सेकेंड होम जैसा भी यूज कर सके, और जब भी हम वहाँ पे हो तो हमें अच्छा महसूस हो। आज हम ऐसे प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आने वाला है इंडिया के बीचेस वाले स्टेट गोवा में। तो प्रोजेक्ट के बारे में जानने से पहले आइए हम जानते हैं सबसे पहले बिल्डर के बारे में। डेवलपर का नाम लोधा ग्रुप से तो जुड़ा है, पर वो लोधा ग्रुप से नहीं है। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ये एक ऐसे डेवलपर है जो कि सिर्फ प्लॉट में डील करते हैं। इनके ओनर अभिनंदन लोधा अभिषेक लोधा, जो कि लोधा ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनके भाई हैं। मिस्टर अभिनंदन लोधा हाल ही में लोधा ग्रुप से अलग हुए हैं। इनके कुछ पिछले प्रोजेक्ट्स हैं आइल ऑफ ब्लिस, डापोली, टुमारोलैंड, अंजरले, सेलिब्रेशन लैंड, नेरल। इनके लास्ट प्रोजेक्ट के रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छे रहे हैं और ये अपना अगला प्रोजेक्ट ला रहे हैं इम्पीरियल गोवा में। ये प्रोजेक्ट आ रहा है बीचेस के स्टेट में, जो कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन पे है और ये कनेक्टेड है अरेबियन सी से। ये सराउंडेड है महाराष्ट्र से नॉर्थ में और कर्नाटक से साउथ और ईस्ट में। गोवा एक हैपनिंग प्लेस है, यहाँ पर लोग ऑल ओवर इंडिया और तो और फॉरेन से भी घूमने के लिए आते हैं। ये प्लॉट आ रहे हैं सेंटर ऑफ साउथ और नॉर्थ गोवा में। यहाँ से नॉर्थ गोवा सिर्फ 15 मिनट की ड्राइव पर है। यहाँ से पंजिम सिटी सेंटर 15 मिनट, डेल्टिन रॉयल्स कैसीनो 15 मिनट और बागा बीच 41 मिनट की दूरी पर है। बांबोली बीच 19 मिनट, मीरामर बीच 23 मिनट और डाबोलिम एयरपोर्ट सिर्फ 44 मिनट की दूरी पर है। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए आप पीछे मैप रेफर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। अभी तक तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट को लेकर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, बट डिटेल में इन्फॉर्मेशन आने के बाद हम इस प्रोजेक्ट को लेकर एक और वीडियो बनाने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट आ रहा है 20 एकड़ के टोटल लैंड पार्सल पे। इसमें बहुत ही लिमिटेड प्लॉट्स है, टोटल 90 प्लॉट्स ही अवेलेबल है। ये 2500 स्क्वायर फीट से लेकर 7000 स्क्वायर फीट तक होगा। इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 1.59 CR होगी। इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग आने के बाद हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में अपडेट कर देंगे। इसका EOI होगा 99,000 जो कि रिफंडेबल होगा। तो अब आइए बात करते हैं इसके एमिनिटीज के बारे में, जहाँ पे आपको मिलेगा स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, सिक्योरिटी, जॉगिंग ट्रैक, फिटनेस जोन, आर्चरी, फ्रूट ऑर्चर्ड और भी बहुत कुछ। तो अब बात करते हैं इसके प्रॉस के बारे में। ये एक ब्रांडेड प्लॉट्स है। गोवा एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से घूमने आते हैं, तो लोकेशन बहुत ही ब्रिलियंट है। ये एक ब्रांडेड प्लॉट होने की वजह से यहाँ आपको बहुत ही अच्छी एमिनिटीज और सिक्योरिटी मिलने वाली है। आने वाले 10 सालों में हम 3x रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके कॉन्स के बारे में हम आपको एग्जैक्ट तभी बता पाएंगे जब हमारे पास इसकी प्राइस और एग्जैक्ट लोकेशन आ जाएगी। इसकी करंट प्राइस 1.59 CR जो कि थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है, पर इसकी ऑफिशियली डिटेल्स आने के बाद हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।